ट्राई कीजिए। 85 का बताइए मुझे। ओके 85 का आंसर क्या आया? 7225। वेरी गुड। ठीक है, जैसे हमारे पास चलिए क्वेश्चन है 15 का क्या होगा। 15 में सबसे पहला अक्षर है वन, वन मल्टीप्लाई टू, टू। ठीक है, शुरू में तो आ गया टू और लास्ट में 25, 225 इसका कितना आएगा? 9 मल्टीप्लाई 10, 9025। इसका आएगा 11025। आप निकाल के देखिए इन सबको, इज इस ओके, कोई डाउट हो? ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है पाइथागोरन ट्रिपलेट। ठीक है, पाइथागोरस ने एक थ्योरम दी थी, आपको पता ही है पाइथागोरस थ्योरम, यू नो दैट ऑलरेडी। तो पाइथागोरस की जो थ्योरम थी वो है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। ठीक है, और पाइथागोरन के जो ये ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट मतलब तीन, तो ट्रिपलेट ट्राइंगल से रिलेटेड है। इसके जो हम पाइथागोरस में ट्रिपलेट निकालते हैं वो एक राइट एंगल ट्राइंगल की तीन साइड्स होंगे। जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो होगा हाइपोटेन्यूस, और बाकी जो बचे हैं वो दोनों क्या होंगे? एक बेस होगा और एक परपेंडिकुलर होगा। तो बेस कौन सा होगा और परपेंडिकुलर कौन सा होगा, वी डोंट नो। ठीक है, ट्राइंगल हम कैसे ही बना सकते हैं। ठीक है, तो बेस कुछ भी हो सकता है, परपेंडिकुलर कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाइपोटेन्यूस कौन होगा? सबसे बड़े वाली साइड, इज दिस ओके। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट है हमारे पास, हम इसमें क्या करते हैं, ऐसे दो नंबर उठाते हैं जिनके स्क्वेयर को ऐड करें और जो तीसरा नंबर मिले वो परफेक्ट स्क्वेयर हो। ठीक है, एक ऐसे दो नंबर उठाओ जिनके स्क्वेयर को ऐड करने पे जो नंबर आए वो खुद एक परफेक्ट स्क्वेयर हो। जैसे एग्जांपल देखो, 3 और 4 हमने दो नंबर उठाए, तो 3 का स्क्वेयर 4, 4 का स्क्वेयर 16, सॉरी 3 का स्क्वेयर 9, 4 का स्क्वेयर 16, तो 9 और 16 25, जो नंबर आया वो 5 का स्क्वेयर है। तो 3, 4 एंड 5 पाइथागोरन ट्रिपलेट है। उसी तरह से मान लीजिए उन्होंने लिया 6 और 8। ठीक है, पहले इन्होंने 6 और 7 लिया था, तो 6 का स्क्वेयर 36, 7 का स्क्वेयर 49। 36 और 49 को जब उन्होंने ऐड किया तो जो नंबर मिला वो किसी का स्क्वेयर रूट नहीं था, वो परफेक्ट स्क्वेयर नहीं था, तो पाइथागोरन ट्रिपलेट भी नहीं था। तो 6 और 7 में बात नहीं मिली, तो 6 और 8 लेके देख लेते हैं। तो 6 का स्क्वेयर 36, 8 का स्क्वेयर 64, ऐड किया आया 100, दैट इज 10 का स्क्वेयर। तो उनको उनसे क्या शिक्षा मिली? यस, दिस इज ऑल्सो पाइथागोरन ट्रिपलेट, यानी कि दो नंबर का स्क्वेयर का सम तीसरे नंबर के स्क्वेयर के इक्वल होना चाहिए। उसी तरह से हमारे पास 5, 12 और 13 भी ट्रिपलेट ही है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन ट्रिपलेट है कौन नहीं? तो उसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, तो ये है फॉर्मूला। ठीक है, तीन नंबर होंगे, एक तो होगा 2m का स्क्वेयर, एक होगा m² - 1 का स्क्वेयर, एक होगा m² + 1 का स्क्वेयर। यानी कि एक तो 2m, एक m² - 1 और एक m² + 1 पाइथागोरन ट्रिपलेट होंगे। सबसे बड़ा m² + 1 होगा तो हाइपोटेनियस हो जाएगा और बाकी दोनों साइड हो जाएंगे। ठीक है, इसको छोड़ते हैं, एक बार छोड़ते हैं, मतलब एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि एक पाइथागोरन ट्रिपलेट बना के देखो, और मैंने आपको एक डिजिट दिया, लेट्स से 4, तो आप m की वैल्यू क्या रखो? 4 रख दो। तो पहला नंबर क्या होगा? 2m, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 4, दैट इज 8। ठीक है, दूसरा नंबर क्या होगा? m का स्क्वेयर, यानी कि 16 - 1, 16 का स्क्वेयर - 4 ये था ना, एम को हमने 4 माना था ना, तो कितना आएगा? 4 का स्क्वेयर 16, 16 - 1 15, और दूसरा क्या आएगा? 16 + 1, दैट इज 17। तो 8, 16, 8, 15 एंड 17 ऑल्सो पाइथागोरन ट्रिपलेट, इट इज ओके। देखिए नीचे एग्जांपल ही था, ओके, ये रहा 8, 15, 17, जहाँ पर 8 स्मॉलेस्ट है। तो इन्होंने क्वेश्चन कहा था कि आपको एक पाइथागोरन ट्रिपलेट बताना है जो सबसे छोटा नंबर उसमें 8 हो। तो हमारे पास जो कंडीशन थी हम उसको वैल्यू रखते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम ट्रिपलेट बना लेते हैं। ये आपके सामने एक बार एग्जांपल है, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए कैसे कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, उसी तरह से हमारे पास एक मेंबर है जिसमें कहा है इसने कि एक पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालो जिसका एक मेंबर 12 है। तो 12 को हम क्या करें? 2m के इक्वल होते थे। ठीक है, 12 = 2m, तो m की वैल्यू 6 आई, m की वैल्यू 6 आई ना, तो पहला नंबर हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 2, दैट इज 12। दूसरा नंबर हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 - 1 35, और 36 + 1 37, तो 35, 37, 12, ये तीन नंबर हमारे पास आ गए। तो यही आंसर है 12, 35 एंड 37। ओके, अब इनके बेस पर हम एक्सरसाइज 6.2 करते हैं। क्या आप इन सबके स्क्वायर निकाल सकते हैं? 32 का कैसे निकालेंगे? 32 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, या फिर 30 + 2 का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगा दो।
35 लास्ट में 5 आ रहा है तो शॉर्टकट लगाएंगे, पहले डिजिट मल्टीप्लाई उसका नेक्स्ट, तो 3 × 4 12, 1225 इसका आंसर आ गया। 86 है तो इसको क्या लिखेंगे, 80 + 6 लिखो या 90 - 4 लिखो या 100 - 14 लिखो, आइडेंटिटी लगाओ आपकी चॉइस है। इसको आप 100 - 7 लिखिए या 90 + 3 और उसके बाद अकॉर्डिंग आप उसके कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप इन सबको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज हम इसको यहीं तक करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट में स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। इज दिस ओके? ठीक है, तो आप यहाँ तक एक बार नोट कर लीजिए, इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू।